पहाड़ों पर टेसू ने रंग बिखेरे फागुन में, हर कदम पर बज रहे ढोल फागुन में, ढोल की थाप पे थिरकते पैर फागुन में, महुआ लगे झूमने गीत सुनाए फागुन में। तो ये फाग की मस्ती है, देखिए सभी लोग बड़े बूढ़े बच्चे सब मस्त है फागुन में। और इधर मेरी पूजा शुरू हो गई है, होली की पूजा। होली के दिन पूजा का अपना खास महत्व है, तो पूजा पाठ जैसे रोज होती है आज भी हो रही है। ये देखिए मैं बैठी हूँ, अब पूजा करने के बाद ही मैं रसोई में जाऊंगी। आधे पकवान तो कल बना ही चुकी हूँ और जो सारी तैयारियाँ की है मैंने वो आज पूरी करूँगी। तो इस तरह वो ये शांति पाठ किया मैंने, अग्नि को प्रणाम किया। तो ये हवन आज करने के बाद बस पूरे घर में पवित्र जल का छिड़काव करूँगी और उसके बाद बस अपना रोज का वो जो सोचा है, जो मेरा प्रोग्राम है उसे करूँगी। ये देखिए नमस्कार करती हूँ आप सबको दोस्तों। होली के इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, मेरा नमस्कार, आपका स्वागत है। तो मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। तो चलिए अब रसोई में चलते हैं। तो देखिए रसोई में क्या कुछ बनने लगा है। गैस बिल्कुल जल गई है और उस पर सब कढ़ाइयाँ चढ़ गई हैं, चारों बर्नर बहुत व्यस्त दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो नहाने धोने के बाद मैंने ये पुराना कपड़ा ही पहना है क्योंकि आज थोड़ा बहुत रंग लग जाएगा इसी वजह से। और ये गाजा भी एक तरफ रखा है, इसको मुझे डब्बे में रखना है। तो सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई चढ़ाई और बनाया ये आलू कटहल की सब्जी। तो कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें सरसों तेल डाल दिया, अब फोरन और तेजपत्ता वगैरह डलेगा। और ये देखिए उबला हुआ कटहल है, कटहल के जो पीसेस में हमने काटा था कल और उसको स्टीम करके रखा था। ये देखिए ये इस तरह से इसे गला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। और साथ में ये कटे हुए आलू हैं, ये भी उबले हुए हैं और साथ में मसाले भी मैंने तैयार कर रखे हैं जो जिसको अब मिक्सी में पीसना है। ये देखिए ये मसाले हैं, ये सारे मसालों को भी मैंने भून लिया है। और ये कटहल बिल्कुल भून करके तैयार है, आलू को भी मैंने भून लिया है। अब फिर कढ़ाई चढ़ेगी और उसके बाद सब्जी बनेगी। इधर पुए को बनाने के लिए की तैयारी है, ये मैश किया हुआ केला है, ये ग्रेट किया हुआ नारियल है, ये देखिए गाजा इस तरह रखा हुआ है। तो ये पुए के लिए अब मैंने ये तेल डाल दिया है और बगल में सब्जी भी तैयार हो रही है, काफ़ी तैयार हो चुकी है। तो तेल गर्म हो गया है और मैं अब एक एक करके पुआ डालूंगी उसमें तेल में, हल्के गर्म तेल में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसे निकालती जाऊंगी। ये देखिए दही बड़े भी बन चुके हैं और ये थाली तैयार है भगवान को भोग लगने के लिए। तो बस सारी तैयारी कर लेनी है, बीच बीच में थोड़ा आराम भी कर लेती हूँ मैं। अब सारा खाना तैयार है, लंच बिल्कुल तैयार है। अब ये देखिए थाली लगाई है मैंने, ये पुए हैं, ये पूड़ी है, पूड़ी के आटे भी मैंने सान लिया अच्छी तरह, उसमें भी अजवाइन मंगरेल नमक वगैरह डाला। ये गाजा और आलू कटहल की सब्जी, गाजा भी बहुत मस्त बना था, बिल्कुल लेज है उनमें, बहुत खाने में मस्त लगा। और ये देखिए सब्जी दिख रही है आपको, एकदम चटक सब्जी, और साथ में खीर है, मीठी खीर। ये सब्जी बीच बीच में दिखा रही हूँ मैं, और दही बड़े भी हैं इसी थाली में। तो बस ये इतना ही आज भोग लगा भगवान को। वैसे तो घरों में जहाँ नॉनवेज बनता है वहाँ आज नॉनवेज बना होगा, लेकिन हमारे वहाँ आलू कटहल की सब्जी ज़रूर बनती है और मैं इसे बहुत फॉलो करती हूँ कि जिस भी त्यौहार में जो बनता है हमारे घर में हमेशा उसको मैं बनाती ही हूँ, चाहे खाना कम ही हो बांटना ज़्यादा हो लेकिन चलता है, बनता तो है ही। तो ये थाली लगा करके मैंने पहले भोग लगा दिया भगवान को, अब ये थाली लगी है अश्विन की और मानिक की।
तो बस उसी में उसी को दिखा रही हूँ मैं। थाली सबको सर्व करने के बाद मैं भी खुद खा लूंगी और फिर थोड़ा नीचे जाऊंगी। ये देखिए नीचे आई हूँ मैं, तभी ये क्लिप आपको दिख रहा है। तो ये लोग मस्ती कर रहे हैं, तो आपको मैं कुछ सुनाती हूँ। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत मशहूर कविता है होली पर। केशर की कली की पिचकारी, पात पात की गात संवारी, राग पराग कपोल किए हैं, लाल गुलाल अमोल लिए हैं, तरु तरु के तन खोल दिए हैं, आरती जोत उदोत उतारी, गंध पवन की धूप धवारी। तो ये एक छोटी सी कविता थी उनकी निराला जी की। और यहाँ देखिए मस्ती की कोई कमी नहीं है। और ये पानी की बौछार देखिए, ये आर्टिफिशियली पानी की बौछार का इंतज़ाम किया गया है, तो लोग इसे रेन डांस भी कहते हैं। तो इसी में ये चलता रहता है, हालांकि पानी की किल्लत होने के बावजूद इन सब का इंतज़ाम होता है हर होली में। देखिए कितने दिनों तक होता है। तो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। ये देखिए वियान और सारू की तस्वीरें हैं। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में देखिए भगवान की थाली।